आज का शुभ पर्व दीपावली, जो दिवाली बोल देते हैं इसको वास्तव में आजकल लोग, लेकिन दिवाली नहीं है नाम इसका, संस्कृत में इसके अनुसार है दीपावली, दीपों का आवली, आवली में पंक्ति, पंक्तिबद्ध दीपों को सजाना। बाह्य दृष्टि से तो बहुत ही साधारण बात है, दीपक जला दिया। इसके पीछे कहानी दूसरी है। एक बहुत बड़ा राक्षस था भौमासुर, उसने बहुत राजाओं को, राजकुमारों को, सबको बंदी बना के रखा था। उनमें से किसी ने भगवान कृष्ण से निवेदन किया कि आप कृपा करके हमें छुड़ाए, और उसे लड़ाई हुआ, भगवान ने उसको मार दिया, तो राजकुमार राव और सब लोगों को मुक्ति मिली। भगवान के दर्शन से वो जो बहुत कृष्ण थे सब स्वस्थ भी हो गए, और अपने अपने राज्य लक्ष्मण को वापस प्राप्त हुआ, धन दौलत संपन्न हो गए। उन सभी जो भी उनमें राजा लोग थे, उन सभी ने अपनी अपनी कन्या को भगवान को दे दिया। फिर 16,000 कन्याओं से विवाह माना जाता है। उसका भी एक सामान्य कहानी तो हुआ कि भाई सब मार दिया गया, इसलिए राजा वापस लौटे तो लोगों ने दीपक जलाया, खुशियां मनाए, और विवाह होता है तो उसमें दीपक बड़े प्रज्वलित होता ही है। ये लोग की कथा के दृष्टिकोण से तो बहुत ही सम छोटी सी कथा है, इसका तात्पर्य बहुत कुछ गहराई है। क्योंकि दीप धातु है प्रकाश, दीपक प्रज्वलन है, व्याकरण में प्रज्वलन अर्थ में प्रकाश, जो हमारे भीतर व्याप्त है, चैतन्य रूपेण विद्यमान है, वह प्रकाश अपनी अज्ञान की वजह से, मैं कौन हूं हम नहीं जानते, सभी समझते हैं मैं पुरुष हूं या मैं स्त्री हूं, सबसे पहले अपने आप को यह मान लिया मैं जीव हूं, पहला आरोप है मैं आत्मा नहीं हूं, मैं एक जीव, जीवात्मा मान लिया। फिर जीवात्मा मानने के बाद अपने आप को मनुष्य माना, ये दूसरा आरोप हुआ। मनुष्य मानने के बाद स्त्रीत्व या पुरुषत्व का आरोप कर लिया, मैं पुरुष हूं, स्त्री हूं, नपुंसक जो भी। चौथे में आरोप किया मैं ब्राह्मण हूं, क्षत्रिय हूं, वैश्य हूं, शूद्र हूं, इसका आरोप हो जाता है। कोई अपने आप को ब्राह्मण मानता है, कोई क्षत्रिय मानता है, कोई वैश्य, कोई शूद्र मानता है। उसके बाद आरोप होता है मैं ब्रह्मचारी हूं, गृहस्थ हूं, वानप्रस्थ हूं या सन्यासी हूं। आरोप पे आरोप चढ़ रहा है, पर्दा पे पर्दा वो डाले जा रहे हैं। मुझे आत्म प्रकाश था, आत्म ज्योति पर यह पर्दे ढके जा रहे। फिर उसके बाद मैं धनी हूं, मैं नौकर हूं, मैं मालिक हूं, अनेक प्रकार की चीजें, क्षुद्र धर्म जिसको कहे जाए, बहुत सारे आरोप कर लेते हैं। इन आरोपित इन सब चीजों के कारण से हमारा असली स्वरूप क्या है, यह बात आदमी भूल गया है। अपना असली स्वरूप क्या है, जो मैं संसार के अंधकार में हम जी रहे हैं, हमारा असली स्वरूप प्रकाश, चेतन। इस बात को ज्ञापन करने के लिए हम बाहर एक दीपक जलाते हैं, और उस दीपक की भी पंक्ति जलाने का तात्पर्य हुआ कि हमारे मन की जो वृत्तियां चल रही हैं, हर एक वृत्ति उस प्रकाश को समझे, उस चैतन्य को ध्यान दे। बिना हमारी चेतनता का हमारी वृत्ति से हम कुछ भी नहीं जान सकते। हम जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जो भी व्यवहार हो रहा है, यह सब हमारी चेतनता की वजह से हो रहा है। लेकिन हम उस चैतन्य को भूल जाते हैं और व्यवहार में उलझ जाते हैं। व्यवहार को महत्व देते हैं, विषय को महत्व देते हैं, वस्तु को महत्व दे रहे हैं, तो हमारी असली स्वरूप जो होता है उसको हम भूल जाते हैं। इसलिए हरेक बुद्धि वृत्ति के साथ जो चैतन्य है, जो विषय को प्रकाशन कर रहा है, ये मिठाई है, ये घड़ा है, ये मोबाइल है, ये अमुक है, ये अमुक है, ये बात हम विषयों को हमारे बुद्धि, मन, आंखों की वृत्ति से, संबंध से प्रकाशित कर रहे हैं और उसको जान रहे हैं, ये चीज अमुक है, ये चीज अमुक है। इस जानने का पीछे हमारा प्रकाश ही है जो इसको प्रकाशित कर रहा है।
ये सब ट्यूबलाइट के प्रकाश से वस्तु प्रकाशन हो रहे हैं या जो भी वस्तु है, वैसे अपने आत्म प्रकाश से सारे वस्तु वास्तव में प्रकाशित होता है। इसलिए किसी ने पूछा, भाई दिन में जो हम वस्तुओं को देखते हैं इसमें कौन सा प्रकाश आपको मदद करेगा, किसके प्रकाश से आप दिन में व्यवहार कर रहे हैं? सूर्य के प्रकाश से व्यवहार कर रहे हैं, है कि? और रात्रि में भी बाहर हम घूम रहे जंगल वंगल इधर उधर, तो या तो चंद्रमा का प्रकाश होगा शुक्ल पक्ष है, नहीं तो अग्नि का एक मिसाल लेकर गया मशाल होगी साथ तब चलते। आज के जमाने की भाषा में बोलते टॉर्च होगा, बिना उसका जाओगे जंगल में? नहीं जाओगे। रात में घर के अंदर दीपक जला लेते हैं, कोई ना कोई चीज जला लेते हैं, और आधुनिक दृष्टिकोण में आजकल बल्ब बना हुआ है, ट्यूबलाइट बने हुए हैं। तो दिन के वस्तुओं को प्रकाशन हमें सूर्य की जरूरत पड़ती है, रात्रि प्रकाशन बिजली और बिजली के बने वस्तु बल्ब आदियों की जरूरत पड़ रही है आधुनिक काल में। लेकिन जब न दिन नाम न रात में है, जब स्वप्न में रहते हैं, ये तो जगा हुआ अवस्था होगा ना दिन और रात की। जब सो करके स्वप्न में जाते हैं, स्वप्न में कौन सा प्रकाश काम कर रहा है? खोपड़ी के अंदर न सूर्य घुस रहा है, न चंद्रमा, न लाइट, न कुछ नहीं है, अंदर देख रहे हैं ना हम स्वप्न को। उस स्वप्न को किसने प्रकाशन किया? कौन था अंदर में? ऐसा कौन सा विशेष चैतन्य है, प्रकाश है, जो स्वप्न के हर पदार्थ को प्रकाशित कर रहा है? और स्वप्न में आप ही हैं, आपके अलावा कोई दूसरा वस्तु भी नहीं है। अंदर कोई कार चल सकता है क्या? और कार में बैठ के जा रहे हैं अंदर में स्वप्न में, हवाई जहाज में उड़ रहे हैं स्वप्न में, ये सब खोपड़ी के अंदर कैसे हो रहा है? ये सब हमारी कल्पना है, हमारी संस्कार, हमारी वासनाओं से जो हम स्वप्न में कल्पनाएं कर रहे हैं, उन कल्पनाओं को कौन प्रकाशित करता है? वहां चक्षु भी नहीं है, सूर्य नहीं है, चंद्र नहीं है, बाहर कोई प्रकाश नहीं है। आपको मानना ही पड़ता है भीतर का कोई ऐसा प्रकाश है जो उसको प्रकाशित करता है। उस भीतर विद्यमान जो प्रकाश है उसको कौन अनुभव कर रहा है? उस प्रकाश को कोई अनुभव नहीं कर रहा। आज इस दीपावली में हम यही स्मरण करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं हम लोग, इसी दृष्टिकोण से सब हम लोग कर रहे हैं कि फटाके हम फोड़ते हैं। फटाके फोड़ने का मतलब क्या होता है? हमारे अंदर के एक एक पाप भी फूट जाए, नष्ट हो जाए, भड़ाक से नष्ट, सारे पाप खत्म। और फिर फ्लावर पॉट बोलते हैं, नहीं सर, फिर हुआ उसी पर हमारे अंदर आनंद का विभोर हो जाए, हम आनंद रूप में पहुंच जाए, जीवन में आनंद ही आनंद रहे। इन्हीं भावनाओं को लेकर के हम सब चीजों को इन प्रकार का चीज बना करके बाहर में जो खेल रहे हैं वो खेल अंदर में होना चाहिए। हम अंदर जगे उस प्रकाश को अनुभव करें, हमारे हर वृत्ति के साथ जो प्रकाश है चैतन्य है उसको हम अनुभव करें, और उस प्रकाश के माध्यम से आनंद को अनुभव करें, जिस आनंद के वजह से मैं सारे संसार के छोटे 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 आनंद को, हम मिठाई खाएंगे बड़ा आनंद लगेगा, अच्छा लगेगा, कुछ भी हम करते हैं बड़ा अच्छा लगता है, कई बात अच्छी लगती, जो हम चाह रहे वो चीज हो जाए तो बड़ा खुशियां होते हैं। ये जो खुशियां कितनी देर टिकते हैं? लेकिन थोड़ी देर, फिर वही चक्कर आता है। ये सुख दुख का जो चक्कर चल रहा है, इससे परे उठकर एक शाश्वत सुख, शाश्वत आनंद का अनुभूति कैसे हो? उसके लिए आज जो लक्ष्मी का पूजन होता है वो आनंद लक्ष्मी का पूजन होता है, धन लक्ष्मी का नहीं। ये बनियों ने बिगाड़ दिया है सब, बनियों ने बस उनको तो यही दिखता है, इसलिए आज के लक्ष्मी को भी उन्होंने जो है धन लक्ष्मी की पूजा करने लग गए। इन वास्तव में आज आनंद लक्ष्मी का पूजा होती है, और जब क्षत्रिय होता है वो राज्य लक्ष्मी का पूजा करता है, क्योंकि अनेक राजाओं को उनके राजेश्वरी वापस प्राप्त हुआ था, आनंदित हुए थे, इसलिए राजा लोग क्षत्रिय लोग राजलक्ष्मी की पूजा करते हैं।
ब्राह्मण आनंद लक्ष्मी की पूजा करते हैं, वैश्य धन लक्ष्मी की पूजा करते हैं, और शूद्र जो है संतान लक्ष्मी की पूजा करते हैं। ये विशेष आज के दिन की चतुर अष्ट लक्ष्मियां होती हैं, आठ लक्ष्मियों का स्वरूप माना गया है, उनमें से चार प्रमुख लक्ष्मियों की इसमें पूजा होती है। क्योंकि ये माना जाता था पहले शूद्रों में संतान की कमी होती थी, कारण है कि उनका व्यसनी ऐसे होता था, दुर्व्यसनी लोग होते थे, खाए पिए सो गए, पता ही नहीं कहां पड़े क्या हो रहा है, तो इसलिए वो लोग संतान लक्ष्मी की पूजा करते। और अब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सभी क्या कर रहे हैं, धन लक्ष्मी की पूजा करने में लग गए। से जो ज्ञान को चाहते हैं, जो मोक्ष को चाहते हैं, जो मुक्ति को चाहते हैं, वो आज का दिन आनंद लक्ष्मी का स्मरण करते हैं, आनंद लक्ष्मी का जो है पूजा करते हैं। और आनंद लक्ष्मी का स्वरूप क्या है, लक्ष्मी तीन प्रकार से आती है, उल्लू पर सवार होकर आती है, सबसे खराब बनी हुई है, कमल पर, आप ज्यादातर फोटो में देखेंगे कमल पर खड़ी हुई रहती है ना लक्ष्मी, कमल पर खड़ी होकर, कमल पर सवार होकर आती है लक्ष्मी। ये मध्यम कोटि की है, अच्छी भी है बुरी भी है, क्योंकि आती जाती रहती है। जैसे कमल क्या है, तालाब में यहां है, एक हवा का झोंका इधर से इधर, दूसरे हवा का झोंका इधर से उधर, इधर से क्या होता है आपकी जेब की लक्ष्मी, इधर से दुकानदार के पास, दुकानदार से उधर, उधर से उधर, लक्ष्मी घूमती रहती, किसकी जेब में टिकती नहीं, आज तक किसके जेब में पैसा टिकी है, कभी नहीं। क्योंकि हम लोग जो पूजा कर रहे हैं, आरती उतार रहे हैं, वो कमल की लक्ष्मी को, इसे लक्ष्मी जो कमल की लक्ष्मी पूजा समय लक्ष्मी प्राप्त हो रही है, वह लक्ष्मी हमारे जेब में स्थिर हो नहीं सकती है। सौ का हजार हजार का लाख लाख का करोड़ बना के स्वप्न देखते रहता है आदमी, जिंदगी बीत जाती है, वैसे के वैसे रह जाता है। उसके लिए स्थिर लक्ष्मी की पूजा करो। स्थिर लक्ष्मी है गजलक्ष्मी, श्रेष्ठ मानी जाती है। गजलक्ष्मी जो होती है हाथी पर सवार लक्ष्मी, वह सर्वश्रेष्ठ है। और यदि हाथी जल में हो, तालाब में, नदी में खड़ी हो, ऐसा चित्र हमारे पास है फोटो, वो आनंद लक्ष्मी का स्वरूप है। फिर वो धन का नहीं मामला, जल है, जल पर में हाथी खड़ी, हाथी पर लक्ष्मी है। तात्पर्य क्या है उसका, जल का तात्पर्य है शुद्ध अंतकरण। शुद्ध अंतकरण में हाथी का तात्पर्य है एक में अद्वितीय में स्थिरता, निष्ठा। उस निष्ठा के कारण से प्राप्त लक्ष्मी का नाम आनंद लक्ष्मी होती है। तो जल में नहीं है, धरती पर खड़ा हुआ हाथी है, उस पर बैठी हुई लक्ष्मी है, वो गजलक्ष्मी कही जाती है। वो उसकी पूजा करने से आने वाला पैसा जेब में टिकता है, बढ़ता है। इसलिए राजा लोग जो धन को बढ़ाना चाहते थे, अपने कोष को बढ़ाना चाहते थे, वे गजलक्ष्मी की पूजा करते थे। और वैश्य लोग वो घुमाना चाहते हैं, पैसा घूमना घूमना व्यापार क्या मतलब, इधर से उधर घूमते रहना चाहिए, वो पैसा जितना घूमेगा उतना कहते इकोनॉमिक डेवलपमेंट आज की भाषा में कहते हैं, जितना पैसा घूमे उतना ज्यादा विकास होता है, आर्थिक विकास। वो लोग साहब कमल की लक्ष्मी की पूजा करते हैं। और जो जितने गंदा काम करके कमाना चाहते हैं, दारू बेच के, दारू के ठेकेदार, मांस के ठेकेदार, ये सब उल्लू पर सवार लक्ष्मी की पूजा करते हैं। हम लोग के तंत्र शास्त्र में उल्लूक तंत्र एक तंत्र है, अद्भुत तंत्र है। उसकी जिसने सिद्धि करी बस उसको पूछो मत, चारों तरफ से पैसा बरसते ही रहे। दिन बड़ा कठिन है, वो उल्लू को मारना भी कठिन है, तो उसके पंखों को लेकर सब कड़े अनुष्ठान करना पड़ता है, उल्लू का तंत्र होता है, उल्लू का तंत्र। इसलिए उल्लू का लक्ष्मी, कमल लक्ष्मी और गज लक्ष्मी, ये तीन प्रकार का माना गया है। इसमें उल्लू लक्ष्मी तमोगुणी है, कमल लक्ष्मी रजोगुणी है, गजलक्ष्मी सब। वो सात्विक में भी जल में हो जाए, वो शुद्ध अंतकरण का प्रतीक बन जाए, हमारे सारी वृत्तियां शुद्ध है, वो आनंद को प्रदान करने वाली होगी,
वो आनंद लक्ष्मी कहा जाता तीनों से। उस आनंद लक्ष्मी की ही पूजा आज का दिन होता है ताकि हमारा जीवन में आनंद ही आनंद भर जाए। केवल बाहर से हम जला के खुश होते हैं दो मिनट के लिए, नाच उठते हैं, लेकिन नहीं, अंदर से सदा सदा के लिए आनंदित ही रहें। चाहे बाहर से जैसा भी सुख दुख आवे, जैसे नदी के बाढ़ आता है चला जाता है, कुछ दिन के लिए मैला फिर शुद्ध, इसी प्रकार से हमारे अंतःकरण में हमारे जीवन में सुख दुख की धाराएं चलती रहें तो भी हम उससे अछूत रहें, हम अपने आप में मस्त प्रसन्न। कहावत ना कि जो आग लगे बस्ती में, महात्मा अपना मस्ती में अपने मस्ती में पड़े रहें, आनंद में रहे। गुरुणा भी दुख के ना न विचार लेते, गीता जी में कहा ना भयंकर से भयंकर दुख भी आ जाए तो विचलित नहीं होता, क्योंकि अपने आनंद में टिका हुआ है। पाई व्यवहार का जो विचलन है वो विचलित नहीं करता, इसलिए उस आनंद लक्ष्मी के वास्तविक प्राप्ति के लिए ये दीपावली का असली मतलब है। अब उसको लोगों ने दिवाला से दिवाली कर दिया, जो दिवाला है वो दिवाली मनाए ताकि वापस धन आ जाए। जो दिवाला हो गया ना उन्हें बर्बाद हो गया, कुछ नहीं रह गया, वो वापस धन के लिए दिवाली मनाता है ऐसा। सब भ्रांति कर दिया हा? दीपावली था वो, दीपावली को अंग्रेजों ने दिवाली लिखने लगे DIWLI, तो उसके बाद हिंदी वाले ने दिवाली दिवाली बोलने लग गए। पर तो दीपावली, दीप का तात्पर्य वृत्ति वचन चैतन्य, और हर एक वृत्ति निरंतर चल रही है, इस उसकी आवली मैंने पंक्ति बन जाती है। सवेरे से उठने से रात्रि तक सोने तक, सोने के बाद भी स्वप्न में, स्वप्न के बाद भी सुषुप्ति में वृत्ति तो चल रही है। मैं देख रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, मैं सो रहा हूं, मैं स्वप्न देख रहा हूं, लगातार वृत्ति के सिवा कुछ नहीं है। इसके माइंड इज ए बंडल ऑफ नोशंस कहा गया, ये मन जो है कुछ नहीं, केवल विचारों का एक बंडल है, झूठा है, होगी सच्चा नहीं। जस्ट नोशंस गोइंग ऑन कंटिन्यूसली, एंडलेस। तो उसका अंत कैसे होगा? अंधकार का अंत प्रकाश से, हेला ज्ञान का अंत ज्ञान से, और ज्ञान मिलेगा हमें उपनिषदों से, गुरु की कृपा से। तो गुरु कृपा के द्वारा प्राप्त उपनिषद ज्ञान का चिंतन मनन निध्यासन जब हम करेंगे तब वास्तविक आनंद लक्ष्मी अंदर में उद्गम। उसको एक बाह्य प्रतीक में हम इस चीज को अनुष्ठान करते। हमारे इस सनातन धर्म की संस्कृति में जितनी भी त्योहार है, ये सभी त्योहारों का अलग ही मायना है, आध्यात्मिक करते हम लोग। लेकिन अब बाह्य रह गए, बाहरी बाहर बनाओ, खेलो, पूजा पाठ ये करो वो करो, अपना खाओ पियो सो जाओ, इतने में रह गया त्योहार हमारे लिए। इन त्योहारों का हम आध्यात्मिक करते और जा ही नहीं रहे। अभी गई नवदुर्गा, नवरात्र का अनुष्ठान किए लोगों ने, क्या किया, दो गुणा तिगुणा खर्च किया, रोजाना फलाहार, फलाहार में चार गुणा खर्च होता है, महंगा ना हर आइटम महंगा है फलाहार का, नहीं फल महंगे हैं, अरे चावल भात खा लेते सस्ता था, हैं? औरत के नाम पे श्यामा चावल बनाओ, साबूदाना बनाओ, खीर बनाओ, पकौड़िया बनाओ, वो बनाओ वो बनाओ, कुट्टू की आटा का हलवा बन रहा है, कुट्टू की आटे की पुड़िया बन रहे हैं, हैं? सिंगाड़े की आटा बना के गुलाब जामुन बना रहे हैं, है? ये चार गुना खर्चा कर रहे हैं व्रत के नाम पे, उल्टा हो गया काम, ज्यादा घर और ज्यादा महंगा खा रहे। चलो व्रत का मतलब ही क्या होता है? व्रत शब्द का अर्थ संस्कृत के अनुसार है नियम। व्रत माने नियम पालन कर, इन नौ दिन हमने एक नियम बना लिया, ये नौ दिन हम झूठ नहीं बोलेंगे, मुंह से गाली नहीं निकालेंगे, किसी को मारेंगे नहीं, किसी की बुराई भी नहीं सोचेंगे, ये सारी चीजों का एक नियम बना लेते हैं। कम से कम खाएंगे, नहीं तो उल्टा हो रहा है, नियम है कम से कम खाओ। हमारे यहां बचपन से जैसे हमें ख्याल है, पांचवी उम्र से हमें व्रत कराना शुरू किए थे, एकादशी व्रत हुआ,
गुरुवार का व्रत हुआ, नवरात्र तो होता ही था विशेष। इन व्रतों में क्या नियम था, सुबह एक गिलास दूध मिलता था वही पाठ के बाद, शाम को रात को आरती करने के बाद एक गिलास दूध मिलता था। दूध के साथ सुबह एक सेव, शाम को एक सेव, बस कुछ नहीं। दिन भर भूख प्यास लगे तो पानी पीते जाओ, पानी पीते जाओ, कुछ नहीं। और पानी में नींबू नहीं डालने देंगे, चीनी नहीं डालने देंगे, मीठा नहीं, सादा पानी पीना, चाय नहीं, कॉफी नहीं, नौ दिन के लिए छुट्टी, वो व्रत हो जाता था। और पांचवी उम्र से बाईसवीं उम्र तक किए हैं, उसके बाद गुरु आश्रम आ गए, वहां का रीति रिवाज अलग थी, योग आश्रम था हमारा अलग हिसाब किताब थी, फिर वहां से स्वतंत्र हो तो फिर नवरात्र किया, तब ऐसे ही नियम पालन किया। महेंद्र द्वारा तो पूछ पता नहीं, जब हमारे आश्रम थे कैसे करते थे नवरात्र। अब डायबिटीज देवता का कृपा होने से वो सब करके छोड़ दिया। व्रत मैंने नियम, अल्पहार जो रोज हम खा रहे उससे भी आधे से आधे खाओ, भाई शरीर तो जिंदा रहेगा, मरेगा थोड़ी कम खाने से। एक तो व्रत हो का अर्थ हो गया नियम, अधिक से अधिक नियम अपने ऊपर लाद लो, जितनी आप नियम पालन कर सकेंगे, नौ दिन या दस दिन जो भी व्रत करेंगे, एकादश व्रत भी करेंगे, उस व्रत में भी जितनी नियम अपने और लागू हो सके उतना नियम पालन करना। दूसरा उस व्रत का आध्यात्मिक अर्थ पर ध्यान देना, उस व्रत का आध्यात्मिक अर्थ क्या, जैसे नवरात्र, नवरात्र नौ शक्तियों का स्वरूप, वो नौ शक्तियां कहां है आपके मस्तिष्क में, स्मृति शक्ति है, मेधा शक्ति है, स्फूर्ति शक्ति है, धृति शक्ति है, धारण शक्ति है, अनेक शक्तियां नौ प्रकार की मुख्य रूप में मानी गई है। एक एक शक्ति को जगाने के लिए हम व्रत कर रहे हैं। हम जितनी शक्ति को जगा लेते हैं हमारी बुद्धि उतनी तीव्र होगी, तीक्ष्ण होगा, सूक्ष्म होगा, और उन शक्तियों का संबंध इसके अंदर विद्यमान नौ चक्रों से रिलेटेड है। सिर्फ पहला दिन हमें मूलाधार चक्र का अधिष्ठात्री लाकिनी देवी की पूजा होगी, बाहर भी भीतर भी और ऊपर भी। फिर दूसरे दिन स्वाधिष्ठान चक्र में हाकिनी देवी की पूजा होगी, शाकिनी देवी की पूजा होगी, साकिनी देवी की पूजा होगी, राकिनी देवी की पूजा होगी, अलग अलग देवियां नौ चक्र में बढ़ाएंगे। नहीं, बीच मंत्र लम है, लम वम रम यम हम शम, बीज मंत्र तो अलग है, देवियां अलग है, या देव भी अलग है, उनको स्मरण करना, भीतर में अभ्यास करना, निरंतर का चिंतन करे वहां उस बीज मंत्र के साथ देवी की पूजा करें भीतर। बाहर तो कर रही हैं हम, मूर्ति रख करके देवी की पूजा कर रहे हैं, एक ही मूर्ति रख लेंगे उसी में अलग अलग देवी का आह्वान कर लेंगे, नौ देवियों का, अतः नौ दुर्गा का फोटो रख लेते हैं लोग, एक एक दिन एक दुर्गा की पूजा कर लो बाहर, और भीतर अपने एक दुर्गाओं की पूजा कर लिया, और उन शक्ति का अनुसंधान मस्तिष्क में कर लिया। और इस बात को आज वैज्ञानिक भी स्वीकार कर, मस्तिष्क के अंदर जितने सेल्स, उनकी भाषा में सेल्स बोलते हैं, सेल्स छोटे छोटे, वो जो सेल्स हैं कितनी संख्या में हैं, एक आनुमानिक गणना दिया उन्होंने, 12 लाख को 12 लाख से गुणा करो 500 बार, 12 लाख टू द पावर ऑफ 500, टू द पावर ऑफ 500, दिस इज द नंबर ऑफ सेल्स इन योर ब्रेन, 12 lakhs multiplied by 12 lakhs again and again and again 500 times. It is an infinite number almost. वो एक infinite number बन जाएगा। उतनी आपके मस्तिष्क में cells हैं, जिसका आम आदमी जो होता है उसके अंदर 0.00005 times 1% काम करता है। So less in a general man. आम आदमी जो अनपढ़ बोलते हैं ना गंवार, उसके ये परसेंटेज होता है,
उसे थोड़ा पढ़ लो, ये वन इधर आएगा, करते 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 यहां तक आके समझो बहुत बड़ा बुद्धिमान है। 0.1% मीन्स ही इज ए जीनियस अमंग ह्यूमन बींग्स, जीनियस ब्रेन वाला माना जाए। और ये 100% हो जाए तो फिर सोच लो वो कैसा आदमी होगा, वो तो ईश्वरी होगा, वो तो ईश्वर होगा, वो तो ईश्वर होगा। तो कहने का मतलब हमारे मस्तिष्क में इतनी सामर्थ्य है जो सारे सेल्स आर ऑलमोस्ट स्लीपिंग, देयर इन डॉर्मेंट स्टेट। एक तो सुप्त अवस्थाएं हैं सारी कोशिकाओं की। रजनी जैसे बुद्धिमान को पता, खुद बोलता था मेरा केवल 5% जगह है, 5% बोलता था रजनी बुद्धिमान आदमी। सो ये जो शक्तियों के जगाने की प्रयास था, ये व्रत पूजा पाठ बाह्य पूजा हुआ, फिर भीतर की उपासना हुई, और उसके माध्यम से कुंडली जागरण के लिए प्रयास करना, प्राणायाम आदि करके अपने मस्तिष्क की कोशिकाओं को जगाने के प्रयास करना, दैट वाज नवरात्र। और उस नवरात्र को आजकल क्या कर रहे, बाहर अपना पूजा पढ़ कर ले, खाए पिए सो गए, हो गया नवरात्र। अंदर न प्रयास है, न उपासना है, न जगाने की कोशिकाओं को प्रयास किया जाता है। सर हर त्योहार का इस आध्यात्मिक अर्थ को जब तक हम नहीं समझेंगे त्योहार मनाना व्यर्थ है। बहुत स्तर पर कुछ पैसे खर्च कर लिया, गुजार तो पूजा कर ली, हो गया। इसलिए हम लोगों के लिए ये साधु समाज के लिए ये बहुत जरूरी हो गया है कि हम इस आध्यात्मिक कर्तव्य को समझें और जनता के बीच में इसका प्रचार करें, उसका असली रूप को दिखाएं, और उसके वैज्ञानिक पृष्ठकोण में क्या उसका, क्योंकि वैज्ञानिक अंग जो समर्थन है इसमें कि दृष्टिकोण से कितनी हद तक है, क्योंकि हमारे लेवल तक तो पहुंच ही नहीं सकता विज्ञान। कि विज्ञान तो जो भी कर रहे हैं वो तो उनका लिमिटेशन है, लैबोरेटरी है, मशीनरीज है, इलेक्ट्रॉनिक इंपल्स होते हैं, मैग्नेटिक इंपल्स होते हैं, इनके द्वारा जो है वो नाप तौल करते हैं, दे आर विदिन लिमिटेशंस। और वो लिमिटेशंस में एक सीमित संसाधनों के द्वारा जो भी आप निर्णय लेंगे वो भी सीमित ही होगा। और ऐसा जो असीम शक्ति है अपने अंदर भीतर छिपा हुआ, उसको जगाने का, उसको समझने का, उसका अध्ययन करने का, उसका अनुसंधान करने की क्षमता बाह्य सीमित संसाधनों से कैसे हो सकता है, असंभव है। इसीलिए हमारे ऋषि महर्षि लोग क्या कहते थे, बाहर खोजो मत, भीतर खोजो, सब कुछ भीतर है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, जो तुम बाहर ब्रह्मांड में देख रहे हो वो सब कुछ पिंड के भीतर ही है। अपना शरीर कोई लैबोरेटरी बनाओ, मन बुद्धि अहंकार इनको अपने विभिन्न इंस्ट्रूमेंट्स के रूप इस्तेमाल करो, अपने संस्कार और वासनाओं का इस्तेमाल करो, शास्त्रों की सहायता से इनको हम जब जगाएंगे अपने अनंत शक्ति की ओर हम अपने आप पहुंच जाएंगे। भले अनेक जन्म लगेगा लेकिन शुरुआत कहीं से तो करें, इस जन्म से हम शुरू करेंगे तो कभी ना कभी तो पहुंच ही जाएंगे। यही दृष्टिकोण से इन त्योहारों को मनाया जाता है। इस रहस्य को हम समझदार समझेंगे, फटाके फोड़ेंगे, मिठाई प्रसाद भी खाएंगे, थोड़ा आनंदित हो जाएं बाहर से, फिर रात बैठ के भीतर का आनंद को अनुभव करें।